कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की अपील की है। करकरे पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में शुक्रवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी की चहेती प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे को रावण बता दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव में उतारा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। ये साबित हो ही गया पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के दोस्त भाजपा ही निकले। भाजपा ने 26/11 के शहीद हेमंत करकरे जी को देशद्रोही घोषित करने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। भाजपाई देशद्रोह का चेहरा आज उजागर हो गया। मुंबई के 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश के जिस जांबाज सैनिक श्री हेमंत करकरे जी ने भारत माता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे डाली, उन्हें ही मोदी जी की चहेती भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने आज देशद्रोही करार दे डाला।